नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दिल से धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं और सभी ने क्वेश्चन किया है, क्या हम बिहार फ्लाइट से आ सकते हैं, क्या फ्लाइट से आना अभी उचित है, क्या अगर हम फ्लाइट हमारा कैंसिल हो गया या हमने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया तो कौन सी एयरलाइंस हमें सही रिफंड कर पाएगी, क्या पटना एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे, अगर मैं बिहार आ गया तो क्या व्हीकल मिलेगी, क्या व्हीकल में अच्छी सर्विस मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं सारा आंसर देता हूं। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का सही जवाब दूं। तो इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेवल विद केके बॉस। दोस्तों सबसे पहले उस क्वेश्चन को लेता हूँ जो बड़े उत्साह से ज्यादा लोगों ने किया है, क्या बिहार में फ्लाइट आ रही है। खास करके उन लोगों ने किया जो वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया आना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर बिहार आना चाह रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिहार फ्लाइट्स आ रही है। अगर आप बिहार आना चाहते हैं तो आपको पटना एयरपोर्ट पे आना होगा। बिहार में पटना एयरपोर्ट पे सारी फ्लाइट्स आ रही हैं। ये जानते हैं कि कहां कहां से आ रही है। ये देखिए दोस्तों, दिल्ली से पटना डायरेक्ट फ्लाइट इंडिगो की 4 फ्लाइट्स आ रही है, स्पाइस जेट की 3 फ्लाइट्स है, विस्तारा की 1 फ्लाइट है और एयर इंडिया की 1 फ्लाइट आ रही है। उसी तरह दोस्तों बॉम्बे से भी 2 फ्लाइट्स आ रही है, देखिए स्पाइसजेट और इंडिगो की फ्लाइट आ रही है। बैंगलोर से फ्लाइट आ रही है, गोएयर की भी फ्लाइट है, इंडिगो और स्पाइसजेट की फ्लाइट है। हैदराबाद से 2 फ्लाइट है दोस्तों, अहमदाबाद से भी 1 डायरेक्ट फ्लाइट है। ये सारी फ्लाइट बिहार में पटना एयरपोर्ट पे आ रही है। कोलकाता एयरपोर्ट से भी 3 डायरेक्ट फ्लाइट पटना एयरपोर्ट आ रही है। जहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप वाया फ्लाइट लेकर, कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर पटना एयरपोर्ट आ सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका था, क्या इस समय इस परिस्थिति में फ्लाइट लेना उचित है, क्या बिहार फ्लाइट से आना उचित है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिहार क्या इंडिया में कहीं भी फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं। अभी फ्लाइट्स और एयरपोर्ट दोनों जगह पे आपकी सुखद यात्रा का उचित व्यवस्था की गई है। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन और इन्फेंट हैं तो आप प्लीज पहले अपने ट्रेवल एजेंट से या एयरलाइन से एडवाइस जरूर ले लें। बिहार में पटना एयरपोर्ट पे आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, आपका स्वास्थ्य और आपका डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिन पॉइंट पे ही चेक होगा और सही रहने पे आपको ट्रेवल करने दिया जाएगा। आपका एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों जो ज्यादा लोगों ने किया है, कौन सी फ्लाइट की परफॉर्मेंस अभी सही है, कौन सी फ्लाइट अभी टाइम मेंटेन कर रही है और अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो कौन सी फ्लाइट उचित रिफंड सही समय पे कर देगी। इस समय इस कोरोना काल के समय दोस्तों फ्लाइट्स और एयरपोर्ट के रूल कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। इस समय अगर आपको फ्लाइट्स लेनी है तो बिल्कुल आप अपने ऑथराइज ट्रेवल एजेंट से ही लें, क्योंकि किस सेक्टर में किस एयरलाइंस का परफॉर्मेंस सही है इसका सही एडवाइस आपका ऑथराइज ट्रेवल एजेंट ही करेगा। क्या बिहार में पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद व्हीकल मिलेगी, क्या वो व्हीकल हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेगी, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका था। दोस्तों बिहार में अभी टैक्सी सर्विस चालू है, आपके लिए हर प्रकार की व्हीकल अवेलेबल है जो कहीं जाने के लिए रेडी है। बस दोस्तों आने से 2 दिन पहले अपने ट्रेवल एजेंट से अपना प्लान, अपना डेस्टिनेशन और अपनी सेफ्टी की बात कर लें और अपना कॉन्फर्मेशन नंबर जरूर ले लें। टैक्सी में ट्रेवल करते समय आप अपना फ्लाइट टिकट्स और एड्रेस प्रूफ अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों उम्मीद है कि मैं सारी जानकारी आपको दे पाया। ट्रेवल रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी सही ट्रेवल एजेंट की नीड है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल कर सकते हैं। ट्रेवल एजेंट के सर्विसेज, ट्रेवल एजेंट से होने वाले फायदे और इस समय ट्रेवल न्यूज को अपडेट रखने के लिए प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन प्रेस कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।